हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी गार्डन में। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा टोमेटो का प्लांट है और इसमें कितना ज़्यादा अच्छे से फल लग रहा है। ये बारिश की वजह से और बहुत ज़्यादा फल लगने की वजह से देख सकते हैं फ्रेंड, एकदम नीचे टूट के गिर गया, झुक गया एकदम। ऐसे इसमें प्लांट जो है यहाँ पर बांधा हुआ भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा फल जब फल लग जाता है फ्रेंड, तो देख सकते किस तरह से एकदम ज़मीन पर इस तरह से टच कर रहा है। तो जो पका हुआ फल है फ्रेंड, उसको उतार लेते हैं। देख सकते हैं कुछ कुछ तो बहुत छोटा सा है, देख लीजिए इस तरह से हाथ से ही इस तरह से छूने पर वो टूट के गिर जाता है, देख सकते हैं इस तरह। और जो कच्चा वाला है उसको छोड़ देंगे, थोड़ा हल्का हो जाएगा तो उसको और बड़ा सा स्टिक से इसको बांध देंगे ताकि ज़मीन पर ना टच करे। देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा करके इसमें फल लगा हुआ है। इधर भी देख सकते हैं, ये सब कच्चा कच्चा है, बहुत बड़ा बड़ा सा है। और इधर भी देख सकते हैं फिर, इधर भी दो फल लगा हुआ है, देख सकते हैं इस तरह से, देख सकते हैं। और इधर देख सकते हैं, इधर बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा सा हो गया और छोटू छोटू सा लग भी रहा है, इसमें फ्लावर भी दे रहा है और फल भी लग रहा है। चलिए, इसको और जब से ही पकेगा तो इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। ये बारिश जब हुआ उसके वजह से और ज़्यादा ये नीचे गिर गया है, इसको और बड़ा सा स्टिक लेकर के बांधना पड़ेगा। और एक जो है छोटा सा फूलगोभी भी है, जिसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये लास्ट है, देख सकते हैं फिर इतना सारा हो गया, और भी कुछ है, चलिए उसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं फिर। एक ये देख सकते हैं फिर, ये इस तरह से एक बैगन लगा हुआ है, एक इधर में लगा हुआ और एक इधर में भी लगा हुआ, ये भी देख सकते हैं। इसमें बहुत सारा फल फूल भी दे रहा, फूल भी दे रहा और फल भी लग रहा है, लेकिन इसको हार्वेस्ट करना ज़रूरी है। नीचे गिर गया, ये देख सकते हैं कितना बड़ा सा है। और एक है, ये और ज़्यादा बड़ा है, इसको भी हार्वेस्ट करना ज़रूरी है। देख सकते हैं फ्रेंड, इतना बड़ा सा है। इधर कुछ प्याज का लीफ लगा हुआ है, प्याज लगाओ जिससे इसे हम लोग ग्रीन जो लीफ होता है वो बन गया है। और इधर भी बहुत सारा टमाटर जिसको काट के हार्वेस्ट कर लिए हैं, और जितना भी है अभी इसको सूखा सूखा जो डाल है उसको हटा देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, इधर भी एक लाल सा हो गया है, इसको भी तोड़ लेते हैं। और देख सकते हैं एक नींबू जो है वो गिरा हुआ पक के, ये देख सकते हैं इस तरह से नींबू जब पक जाता है तो गिर जाता है। इधर भी और भी है, ये भी पक गया है, तो इसको भी तोड़ लेते हैं, ये देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारा फल फूल भी लग रहा है फ्रेंड, ये बारहमासी नींबू है, ये पूरे साल फ्लावर भी देते रहता है, फूल भी देता है, और जब बड़ा भी होता है तो उसको हार्वेस्ट भी करते जाइए साथ के साथ, इस तरह से है। चलिए, एक और गोभी, उसको भी तोड़ लेते हैं। अब ये देख सकते हैं, ये पालक है, ये पालक को जो है थोड़ा बहुत बीच बीच से हार्वेस्ट करना पड़ेगा, तब इसका जो लीफ है और अच्छे से बड़ा बड़ा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा घना हो गया है। तो कुछ को हार्वेस्ट कीजिएगा, यानी जड़ से उसको निकाल लेंगे, उसके बाद जो है ये प्लांट जो है और ज़्यादा हेल्दी होगा। और केवल इसमें जो है कचरा जो अपना किचन वेस्ट होता है वही डाला हुआ, और कुछ भी इसमें नहीं डाला हुआ फ्रेंड। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है ग्रीन ग्रीन। इधर में कुछ सरसों का से फल भी लग रहा है, और एक देख सकते हैं यहाँ पर भी एक गोभी है, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं इस तरह से। देख सकते एक चीज़ तो है फिर, जो नहीं भी जानता हो किचन वेस्ट में अगर लगा दे तो छोटा बड़ा जैसा भी हो, एक दो बार होने के बाद खुद से खुद जो है अच्छे से लगाइएगा तो बड़ा होगा। मैं फर्स्ट टाइम वो गोभी लगाई थी अपने गार्डन में, तो भी चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा बड़ा भी हुआ। तो देख सकते फिर ये दो जो है, दो नींबू, इस तरह से दो नींबू हो गया, दो गोभी हुआ, दो बैंगन है,
और बहुत सारा टमाटर भी है। बस इतना ही है। चलिए इसी के साथ वीडियो को बंद करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।